जानना चाहेंगे, आज सांड का एक मामला सामने आया है, सांड को पकड़ा गया है, किस तरीके की आपको सूचना दी गई थी और किस तरीके से पकड़ा गया था सांड को? ये सांड मुड़िया वीकमपुर में बहुत लंबे समय से आतंक फैलाए हुए है। पहले भी मैं कई चक्कर यहाँ लगा चुकी हूँ और कई वाहन लौट चुका है, कई टुकटुक लौट चुका है, ट्रैक्टर को लौटने की पूरी कोशिश करता है, लौट भी देता है। तो उसके बाद जो है लोगों ने मुझे बताया तो मैंने ये कहा कि इस सांड को अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग इसको बांध दीजिए मजबूती से पेड़ से, फिर हम प्रशासन को बताकर इस सांड को पकड़वाते हैं। तो ये करीब 5-6 दिन पहले से, जब ये इलेक्शन चल रहे थे उससे पहले से ये बंधा हुआ है। तो इलेक्शन की वजह से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आ पाया और इसको पकड़ कर नहीं ले जा पाए। तो अब ये 3 दिन से लगातार मैं कोशिश कर रही हूँ, उनसे संपर्क मेरा बना हुआ है, SDM साहब को इस संबंध में गांव वालों की पूरे सिग्नेचर करवा के लेटर भी दिया है उनको, और उसके बाद 3-4 दिन हो गए लेटर दिए, तब तक कोई अधिकारी नहीं आया। तो मैंने बराबर जो है संपर्क में मैं लगी रही, तब जाके आज जो है BDO साहब ने आश्वासन दिया कि इसको पकड़ कर वहाँ पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर ये उसके डॉक्टर भी आए हुए हैं, फार्मासिस्ट है सरकारी, तो ये उसको जो है पकड़ने के उद्देश्य से आए हुए हैं और उसको बेहोश करके, और अभी BDO साहब ने का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि इसको जो है अभी वाहन वगैरह की इंतजाम करके भेजते हैं और उसको बांधते वो भिजवाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक सांड का मामला नहीं है, हर गांव में इस तरह के खूंखार सांड हो चुके हैं और बहुत गाँवों से घटनाएँ सुनने में आ रही हैं। तो इसका जो है मैंने प्रशासन से ये कहा, जितने भी खूंखार सांड हैं, कम से कम सारे सांड अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो खूंखार सांड तो वो कम से कम पकड़ के ले जाएं। और प्रशासन इस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों की मौत तक हो रही हैं और उसके बाद भी बड़ी लापरवाही हो रही है। लेकिन इस संबंध में जो संस्था है वो संस्था बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगी, जहाँ पर भी हमें ऐसी घटनाएँ पता चलेंगी संस्था बिल्कुल सक्रिय रहेगी और उन सांडों को पकड़वाएगी। Thank you.